नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज और मैं आपके साथ विजय यादव। तो चलते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। कानपुर में मुस्लिम बहुल इलाके में एक और परिवार पर धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाने का मामला सामने आ रहा है। पीड़ित परिवार का आरोप है कि इलाके के बहुसंख्यक मुस्लिम उन पर धर्म परिवर्तन करने का दबाव बना रहे हैं, जिसका विरोध करने पर आए दिन मारपीट करते हैं। पिछले दिन भारी संख्या में जुटे लोगों ने उन पर पथराव कर दिया, जिस पर पीड़ित परिवार ने मामले की शिकायत DCP से की है, जिस पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पीड़ित परिवार ने अपने घर के बाहर पलायन के साथ घर बिकाऊ है लिख दिया है। वहीं दूसरे पक्ष के लोगों का कहना है कि बच्चों के झगड़ों को सांप्रदायिक रंग दिया जा रहा है। मामला नौबस्ता थाना क्षेत्र के चमन नगर का है, जहां रहने वाले हिंदू परिवार का आरोप है कि पिछले कई सालों से इलाकों के लोग उस पर धर्म परिवर्तन का दबाव बना रहे हैं। परिवार के बेटे नहीं, जिस पर मुस्लिम महिला उससे मस्जिद जाने पर बेटा होने की बात कह रही हैं, वहीं बेटी को मदरसे में पढ़ाने के लिए भी दबाव बनाया जा रहा है। कई बार पुलिस से शिकायत करने पर भी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है, जिसके बाद उन्होंने मामले की शिकायत DCP साउथ से की है। मामला दर्ज होने के बाद भी पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है। वहीं दूसरे पक्ष के लोगों का कहना है कि मामले को बेवजह धार्मिक रूप दिया जा रहा है, मामूली विवाद को धर्म का रूप देने का प्रयास हो रहा है, जबकि मोहल्ले में लोग सांप्रदायिक सौहार्द के साथ रहते हैं। मुझे ये बताइए किस तरीके से क्षेत्र के लोग आपको परेशान कर रहे हैं, कि क्या मजबूरी है कि आपको अपने घर के बाहर लिखना पड़ गया कि मकान बिकाऊ है, पलायन करने के लिए। देखिए, धर्म परिवर्तन वाली बात तो ये कोई मानसिक दबाव वाली बात ही मेरे स्वीकार करने ना करने के ऊपर है, ये अपनी स्वेच्छा की बात होती है। धर्म सबका बराबर है, मैं किसी धर्म का विरोध नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप अपने घर में कुछ भी खाना खा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आपका भोजन अलग है, हमारा भोजन अलग है, कम से कम आप जो खाना खाते हो उस खाने की जो जूठन गंदगी जो होती है वो कम से कम किसी दरवाजे तो आप मत फेंको। फेंकेंगे, मना करेंगे तो विरोध करेंगे, झगड़ा करेंगे, आए दिन क्यों इन्हें कोई ये लोग बहाना ले करके हमारे साथ मारपीट करते हैं, हैरान परेशान करते हैं, मेरी पत्नी को गाली देते हैं, मेरी बेटी को गाली देते हैं, अब शब्दों का मर्यादा लांघ जाते हैं लोग। पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। 23 तारीख को मैंने जो इस सारी बाबत उच्चाधिकारी को जो अवगत कराया, जो मैंने प्रार्थना पत्र दिया, उसमें पुलिस ने मुकदमा लिखा, लिखने के बाद में भी जांच के नाम पर अभी तक मुझे कोई न्याय नहीं मिला है। आप अभी जाकर के मेरे घर के बाहर देख लीजिए, कितना सारे आरोपी मेरे घर के बाहर मेरा घर घेरे खड़े हैं, आप खुद देख सकते हैं। और मुझे ये भय अब सता रहा है कि मेरे पत्नी और मेरे बच्चों का मेरे बाद क्या होगा, क्योंकि मेरा खुद अपना सगा भाई इन लोगों की बिल्कुल मानसिकता में ढला हुआ व्यक्ति है, वो खुद नहीं चाहता कि मैं यहाँ पर रहूँ, वो इन लोगों को साथ दे देता है, और पुलिस जब भी आती तो मेरा पारिवारिक विवाद बता करके पल्ला झाड़ करके चली जाती है, और मुझे शराबी और मतलब हर तरीके के आरोपों से नवाजा जा चुका है यहाँ पर मेरी, लेकिन कोई जो बात की गहराई और सच्चाई वो किसी ने जानने का प्रयास अभी तक नहीं किया। मुझे ये इनका जो बबलू खान का बेटा है जो यहाँ मस्जिद में अजान वगैरह देता है, जबकि उसकी आयु 19 वर्ष है, हमारे सामने ही पैदा हुआ है, वो कहता है ये गैर हिंदू हैं, गैर हिंदुओं का हम मुस्लिमों के बीच में क्या काम, हम हिंदुओं का हवा नहीं साफ करेंगे। उसके बाद में सीवर लाइन जो पड़ी हुई है, जिसमें कि हमने पैसे देकर के लाइन जुड़वा रखी है, 6,000 रुपये दिए हैं, और कहते हैं कि हम हिंदुओं का हवा साफ नहीं करेंगे, अपना हवा खुद साफ करिए, जबकि सीवर लाइन सार्वजनिक पड़ी हुई है, और उसके बाद मुझसे कहते हैं तुम्हारी सीवर लाइन बंद कर देंगे, क्यों हमें सीवर लाइन बंद कर देंगे। तो हर तरीके से मानसिक दबाव के तहत हमको यहाँ पर रहना पड़ रहा है। शासन प्रशासन से मैं उम्मीद अभी भी लगाए हूँ, तभी मैं यहाँ बैठा हूँ कि हो सकता है मेरी किसी न किसी रूप में कोई उच्च मदद हो जाए, जिससे इन लोगों के हौसले कुछ दब जाएं, और मुझे अपने परिवार के और अपनी पत्नी अपनी बेटी की सिर्फ चिंता सता रही है कि अब क्या होगा, अब क्या होगा। मेरा यहाँ पर एक ही हिंदू परिवार है, हम ही खाली यहाँ पर रहते हैं, बाकी सब अंदर पूरा मुस्लिम इलाका, मतलब मुस्लिम बहुल इलाका है, और यहाँ पर ये लोग साल भर से हमको कुछ ज़्यादा ही प्रताड़ित कर रहे हैं। जब से हमको अतिया खान ने ये किताब पढ़ने के लिए दी, मस्जिद आने के लिए कहा है, तब से ही हमको परेशान करें। हमने अपने पति को ये बात नहीं बताई थी, मैं इसका वीडियो भी बनाती लेकिन मेरे पास फ़ोन नहीं है, मैं इनका मतलब वीडियो बना करके आपको दिखाती, लेकिन मगर ये जब से हमको प्रताड़ित कर रही है, कह रही है कि आओ मस्जिद आओ आपके बेटा हो जाएगा, ये उसके बाद से ही हमसे मतलब एकदम से झगड़े ने
मतलब अलग रूप ले लिया, हमने बात न मानने पर मतलब झगड़े ने अलग रूप ले लिया। और उसके बाद में अभी जब मेरे पति को मतलब इस बात का हमने बताया, तब ये बात उठी है कि धर्मांतरण वाली बात हमने अपने पति से छिपा कर रखी थी। हमने कहा मान ले की बात है, क्या हम आपस में उनको बता, लेकिन जब देखने लगे आए दिन झगड़ा हो रहा, आए दिन झगड़ा हो रहा, ये लोग मारपीट पर उतारू हो रहे, तब हमने अपने पति को ये बात बताई कि हमको ये ऐसी ऐसी बात है, हम लोग इनकी बात नहीं मान रहे, इसलिए हम लोग को परेशान कर रहे हैं। तब मेरे पति ने इस बात का विरोध करते हुए और DCP साहब के यहाँ से प्रार्थना पत्र हमने दिया, और उस पर भी यही हुआ कि जांच हो रही है और जांच का विषय है। और फिर उसके बाद में हमने थाना नवस्था में एप्लीकेशन प्रार्थना पत्र दी, उसमें भी यही कहा गया जांच हो रही, सारे आरोपी खुले घूम रहे, मेरी FIR दर्ज होने के बावजूद सारे आरोपी खुले घूम रहे हैं, कोई कार्रवाई नहीं हो रही। बेटी को बोलते हैं मदरसे भेजा करो, इसको पैर सही हो जाएगा, ये कैसे मोटी है, ये चल नहीं पाती, ये लंगड़ाती है, लंगड़ी है, ये कहाँ से उठा लाए हो। इस तरीके से किसी के बच्चे को परेशान करना भी अच्छी बात नहीं। हम खिलाते हैं, हम पहनाते हैं, हम सारा उसका हम जिम्मेदारी ले रहे हैं, तो आप कौन होते हो कहने वाले इस बात को कि बेटी मेरी लंगड़ी है। मकान बेच कर भाग जाओ, यहाँ रहने नहीं देंगे, छोड़ के भाग जाओ, यहाँ रहने नहीं देंगे। रहना है तो मेरे धर्म को अपनाओ, वरना यहाँ रहने तो नहीं देंगे तुमको। सिर्फ तो एक एक शब्द पूछे बस। बस ये इसी तरह से परेशान करते हैं, बंगाली गलोच करके और ईंटा फेंकते मेरे पापा के ऊपर, और कहते हैं कि मस्जिद जाया करो, मस्जिद जाने के लिए कहते हैं, कहते हैं कि ये लंगड़ी है, ये मोटी है, और कहते हैं कि मदरसे ले जाओ तो तुम्हारा पैर सही हो जाएगा, ये सब कहते हैं। ऊंचा आरोप लगा रहा है कि ये धर्म परिवर्तन वाला, आप लोग जांच कर लीजिए उसकी, मतलब पूरी जांच बैठा लीजिए। और मैं खुद, मेरा ऑर्केस्ट्रा ग्रुप चलता है, मैं खुद माता रानी की जागरण करता हूँ, सुंदरकांड करता हूँ, चौकी करता हूँ, तो मैं क्यों धर्म बदलवाऊँगा। और मेरी पूरी हिस्ट्री आप निकलवा लीजिए, मेरा ब्राह्मणों के बीच में जन्म हुआ, मुझे सरस्वती श्लोक आता है, मुझे गायत्री मंत्र आता है, मुझे सब कुछ आता है, क्योंकि मैं इस धर्म से जुड़ा हूँ, क्योंकि मैं जागरण करता हूँ, मेरा ग्रुप है। आप इसकी जांच कराइए, और इनकी भी सर एक मेरी रिक्वेस्ट है मीडिया के माध्यम से, फिर मैं बार बार कह रहा हूँ, इनके आपराधिक मामले सन 2002 से लेकर अभी तक निकाले, 1993 से निकाले जाएं, ये रिक्वेस्ट है हाथ जोड़कर। और मुझे मालूम है कि मीडिया के माध्यम से हमें मदद मिलेगी, क्योंकि प्रशासन भी मेरी मदद कर रहा है, मुझे प्रशासन ने अभी तक कोई प्रताड़ित नहीं किया, मुझे परेशान नहीं किया है। यहाँ जाँच आई थी, रवीना त्यागी जी ने जाँच कराई थी, उसमें ये झूठा साबित हुआ, उस पेपर की कटिंग है मेरे पास, हर तरह से झूठा है। अब जब नहीं जीत पा रहा है तो ये एक राजनीतिक वो देता है, इसलिए मैं अपनी बात मुख्यमंत्री तक भी पहुंचाना चाहता हूं कि मुझे मेरे साथ न्याय किया जाए और मेरे परिवार के साथ न्याय किया जाए। हम लोग इतना डरे हुए हैं कि हम यहां से जाने की सोच रहे हैं। देखिए, इस मामले में थाना नौबस्ता पर FIR दर्ज कर ली गई है, मौके पर अब जाकर के जांच की जा रही है, तमाम साक्ष्य संकलित किए जा रहे हैं, दोनों समुदाय के लोगों से के बयान लिए जा रहे हैं, और उसके आधार पर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।